जी, मेरी तरफ से आज 8 मार्च 2012 है, मेरी तरफ से तमाम हिंदू भाइयों को होली मुबारक हो। हमारे मुल्क की अक़लियती बरादरी भी है, और फिर जो हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुकात उस्तुवारी की बात की जाती है, उसमें भी ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनको तहे दिल के साथ हिंदू बरादरी को, हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की, सबको बहुत बहुत दिली मुबारक हो होली का। हमारी कभी भी कोशिश नहीं रही है कि हम किसी मजहब को बुरा भला कहें, और हम जिस तरीके से भी अपनी नशिया चलाते हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि तमाम मजहब को साथ लेकर चलें, और हमने यही पॉलिसी इख्तियार की हुई है। मजहब पे, किसी के मजहब पे आँच नहीं आनी चाहिए, सबका मजहब सबके लिए एहतरामंद है। और अब उनकी अलग हिस्ट्री है कि वो उनका भगवान का कहना शुरू कर दिया था उसको, तो वो मर गया, और उस पर हिंदुओं ने खुशियां मनाना शुरू की। वो उनकी अपनी मजहब की बातें हैं, मगर हम समझते हैं, हम जो है ना इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना खबरों में कोई हमने न्यूज फ्लैश की है इस हवाले से, ना ही ना हमने कोई इसको बनाना मनाया है। जिस तरह से बसंत को बनाया था, हमने इसको सेलिब्रेट नहीं किया, हमने कोई प्रोग्राम नशर नहीं किया इस हवाले से, मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि हम उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, खुशी तर उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे रुफ़खा हैं, वो हमारे दिली अजीज हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अजीज हैं हमसे। रुफ़खा तो हम नहीं कह सकते, ज़ाहिर हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, बहर हम उनको अपने दिल से तस्लीम करते हैं, उनको भाई तस्लीम करते हैं, हमारे वो भाई हैं, तो हम इसलिए हम उनको उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। अब वो जो भी करे, रंग फेंके, यही सवाल आया पहले कि रंग फेंकने का, अब वो रंग फेंके या अपने मुंह पे कुछ भी लगा दें, हम इससे लेना देना नहीं। हमारे बच्चे भी क्या करते हैं आजकल, स्कूल के पेपर खत्म होता है, इंक फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, वो भी तो हिंदुओं से ही सीखे हैं, कपड़े खराब कर रहे हैं, लिफाफों को इंक फेंकते हैं, वो भी एक हिंदुओं की रस्म है। बिल्कुल, हमने पिछली दफा 2011 में जो दिवाली को सेलिब्रेट तकरीबन कोई प्रोग्राम तो नशे नहीं होता, तो प्रोग्राम नशे नहीं होता, हम उसको ये नहीं कहते कि वो सेलिब्रेट की है। बहरहाल वो हमने बाकायदा उनके साथ खड़े थे, दिवाली जो थी उसमें हम उनके साथ खड़े थे, और हमने कहा था कि हम उनको अपना भाई तस्लीम करते हैं, हम उनको बड़ा पन नहीं, हम उनको अपना भाई तस्लीम करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हम होली है आज, तो हम होली पे भी उनको मुबारकबाद तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, अब ये दूसरी बात है कि अब वहाँ के ही बंदे आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लड़के, मगर जो स्टाफलस जो है इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम है। अब वो भी हमने देखेंगे जब हम इस अवामी रही में बैठेंगे, तो महफिल में बैठेंगे, तो वहाँ भी यही हो रहा होगा कि विश हैप्पी विशेस ऑल दिवा होली, ग्रेट विशेस हैप्पी होली। अब जब हम उनको ईद ज़हरा विश कर रहे हैं, तो होली भी विश कर दें, तो क्या लेना देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।